एवरी वन, वेलकम बैक और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और दिवाली की सफाइयों में लगे होंगे। तो मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही अमेजिंग टिप्स लाई हूँ दिवाली की सफाई से रिलेटेड। सबसे पहले आप जो भी डिक्लटर सामान आपको करते हैं, जो जगह छेकते हैं, जगह आपकी लेते हैं, उन्हें आप सबसे पहले अरेंज कीजिए। इस तरह की आपको ऑनलाइन में चिड़चिड़ी मिल जाएगी, जिससे आप अपने जो भी चार्जर, आयरन के वायर और बेल्ट वगैरह जगह छेकते हैं, उनसे आप इनको बचा सकते हो। और आप अपने कपड़ों को, जब वार्डरोब को आप अरेंज करते हो, तो सबसे पहले आप कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके अपने स्पेस को वार्डरोब में जगह दे सकते हो, ताकि और भी कपड़े आ सके। तो इस तरह से आप अपने कपड़े को फोल्ड करोगे तो वार्डरोब में बहुत सारी स्पेस आपको मिलेगी। नेक्स्ट जो है, आप अपनी ज्वेलरी को अरेंज करना चाहते हो तो आप इस तरह के डब्बे जो हैं, इन्हें आप फेंको नहीं। ये मिठाई के डब्बे होते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, इन्हें आप इसमें अरेंज करके रखो। और इस तरह की बास्केट आप परचेज़ कर लो, और इसमें आप जो भी भगवान के क्लॉथ सब हैं, जो भी चीज़ें भगवान से रिलेटेड है, आप इसमें अरेंज करके इस तरह से रख सकते हो, जो डिक्लटर भी नहीं लगती हैं और अरेंज रहती है। मैं अपने छोटे बच्चे के कपड़े भी इस तरह से सारी डेली यूज़ के इसमें अरेंज करके रखती हूँ, जो वार्डरोब में कम स्पेस भी लेता है और अच्छे से अरेंज हो जाता है सारी चीज़ें। अब आपको मैं एक और टिप्स बताने वाली हूँ। जो सॉक्स होते हैं, चाहे बच्चों के हैं या फिर बड़ों के सॉक्स हैं, उसको आप इस तरह से फोल्ड करो ताकि सॉक्स पूरी जगह नहीं छेके वार्डरोब में। जगह छेकने से क्या है, चीज़ें कम अरेंज होती है। तो इस तरह से आप फोल्ड करके रखोगे तो ये कभी गुम भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है, जब आप किचन की सफाई में लगते हो तो सारे मसाले सबको जब साफ करते हो, मसालेदानी सब, तो आप सबसे पहले सारे मसाले को निकाल लो। उसके बाद आप एक स्क्रबर लो और डिश वॉश लो, और इसे अच्छी तरह से सबसे पहले बेकार पानी से धो। उसके बाद आप इसे अच्छे से वॉश करो, उसके बाद अच्छे पानी से धो के इन्हें धूप में सुखा दो। ये तुरंत ही सूख के रेडी रहेगा। और जब भी ग्रोसरी का सामान आए तो सबसे पहले आप उनकी एक्सपायरी डेट चेक करो। ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट भी कभी कभी भूल से आ जाती है। तो इन्हें चेक करके ही हमेशा रखें। और सभी को एक इक्वल में पहले आप छांट ले, जो भी चीज़ें हैं, अगर आपकी कोई वॉश करने की चीज़ें हैं जो आप वॉश करने के लिए रखे हो, तो आप उन्हें अलग रखें, खाने की चीज़ों को अलग रखें, सारी की कैटेगरी अलग अलग कर ले। इससे आपको अरेंज करने में, रखने में ईजी होगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, हमें हमारे घर को बहुत ही अच्छी बनाती है। और इससे हम छोटी छोटी चीज़ों से अरेंज करना सीख सकते हैं, तो हमें काम का बर्डन नहीं होता है। तो मैं देख सकते हैं इस तरह से कैटेगरी सारी चीज़ों की बना ली हूँ, और उसके बाद अब मैं इन्हें जगह पे अरेंज कर दूँगी, तो इससे चीज़ें फैलती नहीं है। अब मैं वार्डरोब में आपको और भी स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र की टिप्स दूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा वार्डरोब इस तरह से, पहले मैं इसे साफ़ करूँगी अच्छे से। तो मैंने डिश वॉश लिया है, आप हल्का सिरका भी इसमें ले सकते हो। इससे क्या, जो भी कीड़े मकौड़े या गंदगी रहती है वो साफ़ हो जाएगी। इस तरह से मैंने माइक्रोफाइबर का कपड़ा लिया और इससे अच्छे से पोंछ दूंगी। उसके बाद मैं सारी कपड़ों की कैटेगरी अलग करूंगी, जो पहनने के उन्हें अलग करूंगी, जो नहीं पहनने के, जो अब यूज़ में बेकार हो गए उन्हें अलग करूंगी, और सारी की कैटेगरी बना के उसके बाद अच्छे से फोल्ड करके इन्हें अच्छे से वार्डरोब में अरेंज कर दूंगी। इससे क्या है, बहुत ईजी हो जाता है अरेंज करना। आप इस तरह से एक बार करके ट्राई करो, देखना आपको भी बहुत ईजी लगेगा सारी चीज़ों को अरेंज करना। ये आप देख सकते हैं मैंने अरेंज कर लिया है सारी चीज़ों को। अब मैं आपको स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र दिखा रही हूँ। ये है, इस तरह से आप अपने हैंकी वगैरह, सॉक्स वगैरह को इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हो। इसमें क्या, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और वार्डरोब में स्पेस भी कम आपको कम की ज़रूरत होती है। कम स्पेस में आपको बहुत सारी चीज़ें अट जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितने छोटी सी जगह में अट गई है। और आप जब दिवाली की सफाइयों में इस तरह से कोई चीज़ों को फेंकने के बारे में सोचते हो, तो पहले आप उन्हें फेंके नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम नेगलेक्ट कर देते और इन्हें फेंक देते। तो मैंने बस स्क्रबर लिया है और डिश वॉश लिया, इसे अच्छे से रगड़ दूँगी तो ये देखना कितना नया हो जाता है। तो हम इसे फेंकने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमें घर को अच्छा बनाती है। ये और है स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र, इस टाइप में मैंने अपने सॉक्स, जितने भी घर के सॉक्स हैं, वो मैंने इसमें अरेंज करके रखा है, और जगह भी कम चिकता है। देख सकते हैं आप, मैंने इसके ऊपर और भी चीज़ें अरेंज करके रखी है। तो आई होप आपको ज़रा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे या अच्छा लगे। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द लाऊँगी।